लू के थपेड़ों में पूरा मध्य प्रदेश जो है प्रभावित हो रहा है। भोपाल में भी 44.9 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें तो चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे एटीएम हो, चाहे बैंक स्ट्रीट हो, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पूरी दोपहर में भी भीषण गर्मी में भी अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बाहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गेट पर दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। इनकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 24 घंटे में गार्ड बदलते रहते हैं, लेकिन ये दोपहर में जिनकी ड्यूटी है उनके ऊपर पूरी जो दोपहर की जो गर्मी होती है, भीषण गर्मी जो होती है वो इनके सर पे से गुजरती है। सुपरवाइजर साहब हैं हमारे साथ रेड क्रॉस हॉस्पिटल के, सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके। सर क्या नाम है आपका? भंवर सिंह राजपूत जी। भंवर सिंह राजपूत। भंवर सिंह जी, आप लोग इतनी ईमानदारी से इतनी मेहनत की नौकरी करते हैं, क्या तनख्वाह मिलती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, दर्शकों को बताइए। ये हमें सैलरी मिलती है गार्डों को जैसे 7,000 के समथिंग सैलरी मिलती है, मुझे 10 से 12,000 के समथिंग सैलरी मिलती है। लेकिन क्या है कि गर्मियों के टाइमिंग में जैसे वाहन पार्किंग का प्रॉब्लम रहता है, तो हम गार्ड घड़ी धूप में 42 डिग्री तापमान के उसमें भी हमारे गार्ड गाड़ियों की पार्किंग लगवाते हैं। और इसके बाद में हमें कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई भी व्यवस्था करवाना है, पेशेंट को उतराना है, तो उसको लेकर भी हमें बहुत समस्याएं आती है। लेकिन हमारे गार्ड फिर भी सचेत रूप से उसको अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। और भी इसके बाद में जो हमारी 3 शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट में जो गार्ड है, अभी गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन हमारे गार्ड फिर भी जिस प्रकार से आप उसको देख रहे हैं वहाँ पर, उस प्रकार से पूरा काम अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो इनका काम सिर्फ सुरक्षा करना ही नहीं है बल्कि गाड़ियों को भी ये पार्क कराते हैं, गेट के अंदर कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा इसकी भी ये पूरी देखभाल करते हैं। एक और सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं, क्या नाम है आपका? रविंद्र परमार। रविंद्र, इतनी भीषण गर्मी है, इतनी ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं, क्या मांग करेंगे सरकारों से, प्रशासन से, कि आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या आपको थोड़ी सी राहत मिले, उसके लिए क्या कुछ गुजारिश करेंगे आप चैनल के माध्यम से? यही देंगे जवाब, ये सुपरवाइजर साहब अभी नहीं से आप ज़्यादा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी भीषण गर्मी में ये लोग जिस तरीके से खड़े हैं और अपनी ड्यूटी यहाँ पर ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग जो है गाड़ियाँ हो चाहे घर हो सब एसी में रहते हैं, लेकिन ये गार्ड जो है वाकई में बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल न्यूज़ 24।